हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम आज के टॉप रोजगार समाचार डिस्कस करने वाले, टॉप वैकेंसी के बारे में आपको बताएंगे कि कौन से वैकेंसीज निकल कर आई है। तो यहां पर वीडियो अंत तक जरूर देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हम वैकेंसी के बारे में कवर करने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी जो कि अभी निकाली गई है, और इसी वैकेंसी के बारे में कवर करने वाले हैं। अब जान लेते हैं इसी वैकेंसी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, आपको क्वालिफिकेशन, टोटल पोस्ट, लास्ट डेट और फर्स्ट डेट पूरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बात करें पोस्ट नेम का, तो किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो देखिए स्टेटिकल्स ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, तो क्वालिफिकेशन भी आपको इसमें बताया जाएगा। उससे पहले आपको जो कि टोटल पोस्ट है वो बता देते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे दी गई है 904 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। अब देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री होनी चाहिए, और वो किससे होनी चाहिए, मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल स्टेटिक्स आपकी, ये जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ कॉमर्स भी आपका होना चाहिए, या फिर आपका इकोनॉमिक्स भी, इकोनॉमिक्स या फिर स्टेटिक्स। अगर बात करें आगे, तो 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर जो कि साइंस में होना चाहिए, और यहाँ पे आपका ओ लेवल एग्जाम पास भी आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पूरा आप आसानी से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। आगे बात करेंगे आप नोटिफिकेशन का, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, तो इसमें 21 से 40 वर्ष के बीच में एज रखी गई है आपकी, यानी 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी 9 अक्टूबर है, यानी 9 अक्टूबर तक इसका फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस आपका लगेगा, वो जनरल ओबीसी के लिए आपका 185 रुपये है, और एसटी एससी के लिए आपका 95 रुपये है। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी दोनों की जो कि यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फ़ीस दे रखी है। आगे बात करेंगे जो कि इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, तो ये आपके 19 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी आप बिल्कुल इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहाँ पर अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने अभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस नहीं की है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम आपको अभी जो कि एग्ज़ाम डेट नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा ही अभी अनाउंस नहीं की गई है। फ्रेंड्स, एमपी की बिगेस्ट और बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च हो चुकी है 5 अगस्त 2019 को। इससे रिलेटेड या फिर परचेस करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, कैसे क्या आप इसको परचेस कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सअप पर जो कि मैसेज कर दीजिए। आपको यहाँ पर रेलवे की और उसके साथ में एसएससी, एमपी पीएससी और एमपी व्यापम की कोई से भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है। आईबीपीएस, आरआरबी की जो कि टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उसके साथ में आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर या फिर मध्य प्रदेश का कोई भी जो कि टॉपिक हुआ है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं। ई बुक और हॉर्ड कॉपी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पर आपको सो रहा है। तो बिल्कुल आप हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, इनको परचेस कर सकते हैं और डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। कुछ डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा, उसका भी आप पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे, और यहाँ पर आपको जो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके पूरी जो कि इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वैकेंसीज के बारे में, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वैकेंसीज के बारे में। देखिए, टोटल जो पोस्ट यहाँ पे बताई गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले पोस्ट नेम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जूनियर जो कि लीगल ऑफिसर की जो पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, और क्वालिफिकेशन इसमें आपका बैचलर डिग्री इन लॉ से होना चाहिए, यानी लॉ से आपकी बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए। टोटल पोस्ट की अगर बात करें, तो 156 टोटल पोस्ट इसमें निकाली गई हैं। आगे बात करेंगे हम नोटिफिकेशन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें, तो इसमें भी 21 से 40 साल आपकी एज होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका जो लास्ट डेट है वो है आपके 25 अक्टूबर, यानी 25 अक्टूबर तक इसका फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। आगे बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जो एप्लीकेशन आपकी फ़ीस लगेगी, वो जनरल और अदर स्टेट के लिए आपके 350 रुपये, ओबीसी बीसी के लिए 250 रुपये, और एसटी एससी के लिए आपके 150 रुपये चार्ज लगेगा। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आपके 26 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, तो बिल्कुल आप इनको जो कि 26 सितंबर से फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की, तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने अभी अनाउंस नहीं की है। आगे बात करने वाले हम बिहार सचिवालय ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई, और यहाँ पर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पर पोस्ट नेम जो आपका रहेगा वो रहेगा ग्रुप डी, यानी ग्रुप डी की पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, और क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास आउट है, यानी 10th पास आउट आप बिल्कुल है तो बिल्कुल इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल पोस्ट इसमें 136 है, यानी 136 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो है उसका
वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 42 साल के बीच में इसमें एज लिमिट रखी गई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 11 अक्टूबर, यानी 11 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस इसमें लगेगी आपकी जनरल ओबीसी के लिए 200 रुपये और एसटी एससी के लिए आपके 500 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाली है। अब इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो आपके 20 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और यहाँ पे इसकी जो एग्ज़ाम डेट है अभी इनके द्वारा अभी अनाउंस नहीं की गई, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी हम नहीं बता पाएंगे अभी क्योंकि अभी इन्होंने ये अनाउंस नहीं की है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, पूरे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।